गोरखपुर जनपद के गीडा थाना क्षेत्र के नंदापार चौराहे पर स्थित भाजपा के चुनाव कार्यालय पर सपा समर्थकों में हुआ विवाद। भाजपा कार्यकर्ता से मारपीट हुई। मारपीट के दौरान मोदी जी के कटआउट पर सपा का झंडा बांधा गया। गीडा पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी युवक को किया गिरफ्तार। वहीं सपा की सांसद प्रत्याशी काजल निषाद अपने समर्थकों के साथ गीडा थाने पर पहुंची। काजल निषाद ने भाजपा सरकार पर पुलिस की गुंडई कराने का आरोप लगाया है। वहीं भाजपा कार्यकर्ताओं ने थाने में तहरीर देकर पुलिस मामले की जांच कर रही है। वहीं काजल निषाद अपने समर्थकों के साथ थाने पर बैठी और उन्होंने कहा कि हमारे कार्यकर्ता को जबरदस्ती थाने पर बैठाया गया है। सांसद प्रत्याशी काजल निषाद ने पुलिस पर पिस्टल निकालकर दहशत फैलाने का आरोप लगाया है। काजल निषाद ने बताया कि हमारे कार्यकर्ताओं को प्रशासन द्वारा डराया और धमकाया जा रहा है। काजल ने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि हमारे कार्यकर्ता को फर्जी तरीके से फंसाया जा रहा है। आप लोग थाने पर क्यों पहुंच रहे हैं? मैं सीआर में जनसभा कर रही थी और सभी हमारे कार्यकर्ता भी बड़े खुश थे, उत्साह में थे और बहुत ज़्यादा भीड़, बहुत ही ज़्यादा, जैसे एक बड़ा जनसभा होता है वैसी भीड़ चल रही थी। वहाँ अचानक ही पुलिस प्रशासन आकर एक लड़के को दौड़ा कर पिस्टोल निकाल कर, जैसे वो अपराधी हो, दौड़ा कर उठा कर लेकर गए। क्या कुछ हमने जब पूछा कि क्या हुआ, क्यों इसे उठा कर लेके जा रहे हैं, तो कह रहे अरे ये अपराधी था। पहले तो फोटो दिखा रहा है कि ये देखिए फोटो, भाजपा कार्यालय पर जाकर उस लड़के ने लाल गमछा मोदी जी के मुंह पर उड़ा दिया। भाजपा का कार्यालय के खाली पड़ा है, चिड़िया उड़ रही है वहाँ, कौवे उड़े हैं क्या? भाजपा के कार्यालय पे कोई अस्तित्व नहीं है क्या भाजपा का? और इस तरह से ये देखिए, इस तरह से ये देखिए, ये पिस्तौल निकाल कर, हम क्या करेंगे बताइए? आइए आइए देखिए, भैया चलिए, चैनल काट देगा।